कौन सी इक्वेशन बनाई थी? हाँ जी, PV इक्वल्स टू nRT, क्या नाम है इसका? आइडियल गैस इक्वेशन। ओके बेटा ठीक है। अच्छा जो बच्चे नए हैं तो वो कल देखो, रेगुलर क्लास तो नहीं है कल, है ना? जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं उनकी तो होगी छुट्टी कल, ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं कल मैं उनको कवर करवाऊंगा, जो पीछे अपने कर चुके, ठीक है ना? तो कल की क्लास का टाइमिंग अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे कि क्या टाइमिंग रखेंगे अपन, ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं उनको जितना समझ में आए ठीक है, कल 2 दिन की क्लास अपन मोस्ट ऑफ पार्ट है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और मैं वैसे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप देखा करें, उनसे काफी कुछ हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है ना? तो जो कल बच्चे अब्सेंट थे वो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखी है, आप उसको चेक कर सकते हो कि ये कैसी इक्वेशन आई, क्यों आई, ठीक है ना? चलिए बेटा जी, आइडियल गैस इक्वेशन ये आई कैसे थी, ये मैं कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लक्ष्य बिश्नोई का हो गया पहले, लक्ष्य बिश्नोई आपका हो रखा है। जो पिछले बैकअप क्लास में आ गए ना उनको अब जरूरत नहीं आने की, ठीक है ना? जो पिछले सैटरडे संडे अटेंड कर चुके हैं अब उनको जरूरत नहीं है। इस वीक में जो बच्चे आए हैं ना उनको ज्वाइन करना है, ठीक है? तो देखो बेटा, हमारे पास है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये इक्वेशन कैसे आई ये मैंने कल समझाया भी था, ठीक है? यहाँ पी जो है वो प्रेशर है बेटा, वी जो है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस लेंगे, एन होगा मोल ऑफ द गैस, टी टेम्परेचर है, और आर की वैल्यू ये है। आप इस वैल्यू को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, 1/12, 1/12 को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा इसमें सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोल गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 280 प्रेशर। ठीक है, हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोल गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 280 प्रेशर। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन देखो क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इस इक्वेशन को यूज लेना। अब देखो आपको प्रेशर गिवन है 2, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? एन आपको कितने गिवन है? 2 गिवन है। आर की वैल्यू या तो आप ऐसे लिख लो पॉइंट में, नहीं तो आप 1/12 कर दो, ठीक है? और टेम्परेचर मैंने कितना दिया? 300 केल्विन, ठीक है? यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी आप सोल्व कर सकते हैं, 300/12 दैट विल बी 25 लीटर, ठीक है साहब? काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। राजश्री थोड़ी सी मैथ्स ध्यान दे बेटा, है ना? हाँ जी, आ गया समझ में? तो आपको प्रेशर दिया रहेगा, है ना? मतलब इनमें से 3 आपको वैल्यूज दी रहेगी, ठीक है? और एक आपसे पूछेगा। हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोल गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 280 प्रेशर। समझ में आ गई बात ही? इसमें किसी को डाउट है? अब जो बच्चे नए हैं ना, हो सकता है किसी ने आज ज्वाइन किया या कल कोई क्लास में अब्सेंट था, तो बेटा प्लीज वो पिछला लेक्चर देखे, कल अपन रिकवर करेंगे उसको बैकअप क्लास में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन मैंने यही लिया, ठीक है? इसमें देखो मैंने ऐसा कर दिया कि 380 mmHg। अब बताओ, तो बेटा आपको मैंने एक बात बताई थी कि 1 atm जो होता है वो होता है 760 mmHg, होता है क्या?
एक बार याद रखें, निकलता कैसा है वो मैंने वैसे कल शायद बताया भी था, मरकरी के आपकी हाइट या अपन स्टेट ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर आपको गिवन है, इस प्रेशर को आपको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ 760 mmHg का मतलब 180 mm है ना। तो 1 mmHg का ये हो गया, तो 380 का कितना हो जाएगा, 1760 × 380, 2 टाइम चला गया, यानी कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रेशर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो सुनो, प्रेशर आपका आ गया 1/2, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, मोल 2 गिवन है, आर मैंने ले लिया 1/12, और ये टेम्परेचर आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आप इसको वॉल्यूम सोल्व कर लीजिए, इस 2 को उधर ले जाइए, 4/12, ये यहां से ये चला गया, तो ये आ गया 100 लीटर, ठीक है। हाँ 100 लीटर सही है, चित्रा मोदी शास्त्री छावरा सही है बेटा, चौधरी साहब सही है, तो बेटा ये इक्वेशन आप लर्न करें, पीवी इक्वेशन एनआरटी खूब काम आएगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यू लेने के बजाय आप ये वैल्यू लो, ज्यादा सही रहोगे आप। चलो बताओ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 mole आइडियल गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, बताइए बेटा। हाँ जी देव सही है बेटा, सही है सही है, वेदांग सही है बेटा, ट्वेंटी 2.4 लीटर एग्जैक्टली यही है बेटा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर आपको 180 दिया है, वॉल्यूम मोल 1, आर की वैल्यू अपन ऐसा लिख सकते हैं 273, तो वॉल्यूम आ गया 273/12, इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर आता है, ठीक है ना। ये कितना आता है, 22.4 लीटर आता है। अब एक बात सुनो बेटा, ये जो कंडीशन दे रखी है ना 1 atm एंड 273 केल्विन, ठीक है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एसटीपी कंडीशन। एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब ऐसी कंडीशन जो आप लोगों ने क्या कर रखी हो, अज्यूम कर रखी हो, ठीक है ना, जो आप लोगों ने अज्यूम कर रखी है, एक ही बात है बेटा, है ना। एनटीपी एसटीपी सिमिलर थिंग, एसटीपी का ही दूसरा नाम है एनटीपी, ठीक है ना। हो सकता है आपको नेट पे इसका कुछ अलग लिखा मिल जाए, लेकिन एनसीआरटी एसटीपी एनटीपी तो एक ही बोलता है। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा जो भी बच्चे नए हैं, कल रिकवरी क्लास लगाएंगे, आज जितना समझ में आए ठीक है, नहीं आए टेंशन ना लें, अब आप बीच में आए हो, चैप्टर चलते चलते 20 दिन से ज्यादा दिन हो गए, ठीक है ना। हाँ बेटा प्रज्ञा ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमने सोल्व कर लिया, हो सकता है वो 22.75 आ रहा होगा, बट चल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो वैल्यू 0.0821 0.083 आ रही होगी, आप इसको लर्न कर ले,
180 एंड 273 केल्विन जो है उसको बोलते हैं एसटीपी कंडीशन या एनटीपी कंडीशन, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस होगा 22.4 लीटर। तो ये याद करें आप कि एसटीपी कंडीशन में आपके वन मोल गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये दिमाग में फिट कर लें, ये डाटा याद कर लें, ये डाटा लर्न कर लें। अब बेटा एक बात बताओ, हम कहते हैं कि जब 22.4 लीटर है तो एक मोल है ना बेटा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर 44.8 लीटर है एसटीपी कंडीशन में तो कितने मोल होंगे, कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है भाई। 22.4 लीटर इक्वल्स टू वन मोल, तो वन लीटर इक्वल्स टू वन अपॉन 22.4, तो 44.8 ये करेंगे सोल्व करने पर 2 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको देखो क्या करना है, सुनो, आपको क्या करना है कि जैसे आपको गिवन वॉल्यूम दे है ना लीटर में एसटीपी पर, उसको जब आप डिवाइड करोगे 22.4 से तो वो आपके बन जाएंगे मोल बन जाएंगे, है ना। आपने क्या किया, 44.8 को डिवाइड किया 22.4 से, 2 आ गए, आ गया कि नहीं आ गया। अब बेटा वॉल्यूम से मोल जाना है तो डिवाइड करना है, उल्टा चलना है, मोल से वापस वॉल्यूम जाना है। तो बेटा इधर जाने पर डिवाइड किया तो इधर जाने पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, है ना, ठीक है। इधर जाने पर अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ये लीटर में आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब एक बात बताइए मुझे कि जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं, मेरे पास ये वन मोल KClO3 है, ये वन मोल है, इसको मैंने हीटिंग किया, है ना, तो वन मोल ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP, ये आपको बताना है। तो बेटा KClO3 को जब अपन हीट करते हैं तो ये इस तरह से जाता है, ठीक है, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है, चेक कर लो, ठीक है, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। अब एक बात बताओ, यहां ऑक्सीजन के कितने मोल मिल रहे हैं, 3/2 मोल मिल रहे, मिल रहे नहीं मिल रहे, 3/2 मोल ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कितना रोड़ा आंसर गलत है आपका, मिल रहे हैं 3/2 मोल। तो बताओ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने मिले, 3/2, ठीक है। तो अब मोल से वॉल्यूम लाना है तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सोल्व करने पाएगा 33.6 लीटर, ठीक है भाई। पहले इक्वेशन बैलेंस की मैंने, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद मैंने ये पता कर लिया कि क्या करेंगे, जितने मोल है मोल से वॉल्यूम चाहिए एसटी पर, उल्टा चलना है, मल्टीप्लाई करना है, मुझे ऐसा किया है। हाँ बेटा चलिए आगे बताइए, आप बताओ, बाई डीकंपोजिशन ऑफ 2 मोल वाटर प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ गैसेस
एट एसटीपी विल बी। क्वेश्चन बताइए। बेटा जो भी बच्चे नए हैं वो थोड़ा है ना समझ में आए तो ठीक है, कल अपन क्लास लगाएंगे आपकी, अभी तो बीच में है तो हो सकता है समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा। चलो देखो कैसे करेंगे, सुनो सबसे पहले ये मेरे पास H2 है, ये तो जानते हो आप, इसको इस तरह से तोड़ेंगे अपन, ऐसे थोड़ा तोड़ने के बाद देखिए इसका ये 1 मोल है, तो इसका 1 मोल मिला और इसका 1/2 मोल मिला, ठीक है। आपको मोल दिए हमें 2, तो 2 मोल से क्या मिल जाएगा, ये मिल गए 2 मोल, डबल करना है, 1 का 1 तो 2 का 2, 1 से आधा मिला तो 2 से 1 मोल मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो अब देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या करोगे, 2 मोल है 22.4 यानी 44.8 लीटर आ गया। अच्छा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, 1 × 22.4 यानी कितना आ गया आपका, 22.4 ही आ गया। अच्छा टोटल वॉल्यूम पूछे तो जोड़ दीजिए इनको, ठीक है ना, तो 67.2 लीटर आ जाएगा। तो ये भैया इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, चलो बेटा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास 160 ग्राम मिथेन है, तो बताओ मोल ऑफ मिथेन क्या हो गई। देखो जो बच्चे नए हैं वो सुन लें थोड़ा, जब भी आपको मोल निकालना हो क्या करना है, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है ना, यानी वो जो मास दे रखा है उसको ऊपर लिख दो, लिख दिया, और जो कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कर दो। तो मिथेन का मॉलिक्यूलर मास बेटा 16 आता है, 16 कैसे आएगा समझ में आया, 16 कैसे आया, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 × 4 यानी टोटल मिला के हो गया 16। तो ये 160 और ये 16 सोल्व करने पर आ गया 10, यानी 10। आसान सी बात है इसमें, सपोज जैसे आपसे ये कह दे कि 85 ग्राम अमोनिया है ना, तो देखो इसमें ये वाली चीज ऊपर ले आओ पहले 85, फिर ये वाली चीज आ जाएगी नीचे, अमोनिया का कितना आता है 17, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन है तो ये तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। यानी आपको अगर ग्राम मोल निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सिंपल सी ऐसी बात करनी और कुछ नहीं करना है। ये आपको गिवन होगा, ये कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन होगा, उसको आपको हाँ MD करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। अब ये मैंने अभी क्यों बताया तो इसको अभी देखते हैं अपन, सुनिए थोड़ा सा अभी, यानी मोल का मतलब है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या है इसमें आगे।
देखो बेटा सुनो, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, याद कीजिए लिखा था। इसमें ये एन जो है ना, ये मोल है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास, इसको मैं एम से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ऐसा करो, इसको डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं और इसको कैपिटल एम से, इनटू आर टी। भी मोल हमने भी देखा था, गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस कैपिटल एम को तो मैं इधर ले आता हूं और गिवन वेट डिवाइड बाई ये वॉल्यूम, ये आर टी कर दिया मैंने। अब बेटा इस चीज को आप क्या कह सकते हो बताओ, इस चीज को क्या बोल सकते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या बोल सकते हैं? हाँ प्रज्ञा फलोदिया, वेरी गुड। तो मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो मैं इसको डी से लिख देता हूं, तो मेरे पास देखो क्या आ गया, पी एम इक्वल्स टू डी आर टी आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, पी एम इक्वल्स टू क्या आ गया, डी आर टी आ गया, ठीक है, ये समझ में आया। अभी थोड़ी देर पहले मोल मैंने दो एग्जांपल दिए थे, ठीक दिए थे मैंने, तो मोल की जगह मैंने गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। इसको क्या किया मैंने कि ये जो एम था वो इधर ले आया और वी को इधर से यहां ले आया, मतलब वी इधर आ गया और एम उधर चला गया। तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर सॉरी वॉल्यूम, ये बन गया डेंसिटी, बन गया कि नहीं, बन गया डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये आ गया पी एम इक्वल्स टू डी आर टी, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है, नोट करो इसको फटाफट, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अब एक अपन चीज पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, इसी का एक और नाम होता है वेपर डेंसिटी। देखो एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपके सामने ये वर्ड आ जाए रिलेटिव, इसका मतलब एक रेशियो होता है ना। सुनिए, जैसे एक बच्चे के मार्क्स आए, हाँ यूनिट लेस होता है, रिलेटिव वैल्यू हमेशा यूनिट लेस होती है। एक बच्चे के मार्क्स आए 100 में से 60 और एक बच्चे के मार्क्स आए 80, तो अब 80 वाले के मार्क्स 60 वाले के कंपेरिजन में कितने ज्यादा है, तो आप रेशियो लेके चेक कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक आयरन की बोल दी और एक प्लास्टिक की बोल दी, ठीक है, दोनों का आप हाथ में लेकर देखोगे है ना, तो आप देखना कि आयरन वाली बोल आपको भारी लगेगी और प्लास्टिक वाली बोल हल्की लगेगी। तो डेंसिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कौन कितना भारी है, ठीक है ना। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो भारी होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्का होता है। आप जैसे सपोज आपने प्लास्टिक की बोल ली, उसको पानी में डालो, वो डूबेगी नहीं, सिंक नहीं करेगी, है ना। तो वो अगर डूबेगी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक। अब वही मैंने आयरन की बोल पानी में डाली, आयरन की बोल तो नीचे बैठ जाएगी, इसका मतलब आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ठीक है ना। समझ में आ गई, हाँ जी रिया सही है बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने कभी आइस ली होगी, बर्फ और पानी, इसी तरह बेटा यहाँ तो ठीक है, आप चेक करो अपना, साउंड प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ तो एकदम सही चल रहा है नेट, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, कोई नेट के इश्यू होगा। तो सुनो, मैंने आपको क्या किया, पानी दिया और बर्फ,
बर्फ को पानी में डाल दो। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बर्फ ऊपर ऊपर रहती है, इसका मतलब बताओ कि बर्फ की जो डेंसिटी है, आइस की जो डेंसिटी है, वो वाटर से कम है या ज्यादा है? कम है ना, हाँ कम है, देखा ना। क्योंकि जब भी आपने कभी घर पे सिकंजी बनाई होगी या कभी आपने कुछ कोई भी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप बर्फ डालते हो ऊपर ऊपर तैरती रहती है, ठीक है ना, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आपने किसी पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी ली, डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। वो अपन बात करेंगे ऐसा क्यों होता है ना भाई, जब आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया तब तो फिजिकल स्टेट ये क्या आ गई। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। वो अभी पढ़ा नहीं आपने बॉन्डिंग में, तो अभी एक बार उसको आप ज्यादा छेड़ो मत, अभी इतना ही ध्यान रखो आइस और वाटर में कौन डूबता है, बस इससे ज्यादा काम का नहीं अभी। अब देखिए डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब हम किसी की भी गैस की डेंसिटी हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेने वाले हैं, इसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन की। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हाइड्रोजन इस दुनिया की सबसे हल्की गैस होती है कि नहीं है? अरे बेटा है। इस दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हम उसी से कंपेयर करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ आ गया? मतलब दोनों गैसेस में कंपैरिजन एक ही कंडीशन में करना है ना, मतलब दोनों का टेम्परेचर भी होना चाहिए, दोनों का प्रेशर भी वही होना चाहिए, ये बात दिमाग में टिक लेना। जैसे मान लीजिए मुझे दो बच्चों में कंपेयर करना है, तो अब ऐसे नहीं कि एक बच्चे के तो मैं बायोलॉजी में मार्क्स देखूं और एक के मैं फिजिक्स में देखूं, दोनों चीजें एक जैसी है ही नहीं, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है? या तो दोनों के बायो में देखो या दोनों के फिजिक्स में देखो, तभी डिसाइड कर पाओगे ना। तो जब भी आपको कंपेयर करना है तो कंडीशन हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गई बात भी। जैसे अपन कहते हैं कि यार ये टीम बहुत अच्छा खेलती है, तो दो टीम में कंपेयर करना है तो जिस अपोनेंट्स है ना वो एक जैसे होने चाहिए। भी अब ऐसा हो सकता है कि एक टीम आराम से अपन बोले कि स्कॉटलैंड की टीम को हरा देती है, ठीक है, और एक टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाती, तो बेटा दोनों सामने वाली टीमें अलग अलग है ना, उन दोनों टीमों को एक ही टीम से लड़ाओ तब पता लगेगा। तो कंडीशन हमेशा सिमिलर होनी चाहिए। अब जैसे एक बच्चा तो ये कहता है कि भैया मेरे तो इंडिया से भिड़ाई, ठीक है अभी तो मैच होंगे नहीं अनिरुद्ध, तो मेरी बात सुनो कि हम क्या कह रहे हैं, कंडीशन एक जैसी लेके चलनी है। अब जैसे हो सकता है आपके 9th-10th में मार्क्स आते हैं बेटा 98%, 99%, और जेईई का जो एडवांस का जो टॉपर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 60-65% वो टॉप कर जाता है वो, है ना, क्योंकि 10th का लेवल और आईटी जेईई के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमें लेवल एक रखना है, कंडीशन एक रखनी, इसे मैंने बोला कि दोनों को एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेना है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी थी पीएम इक्वल्स टू डीआरटी लिखी थी, देखो अभी थोड़ी देर पहले याद करो, तो यहां से डेंसिटी निकालू तो क्या आ जाएगा, पीएम अपॉन आरटी आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से एक बार मैं उस गैस की डेंसिटी निकाल लूंगा और एक बार हाइड्रोजन की निकाल लूंगा, बट ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में सिमिलर है, आर वैसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब सिर्फ एम पे डिपेंड करेगा। सुन लीजिए ये अभी इक्वेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी पीएम इक्वल्स टू डीआरटी, चेक करो आपने भी लिखा होगा। तो डेंसिटी निकालनी है तो मैंने क्या किया पीएम अपॉन आरटी कर दिया, मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब देखो मैं ऐसा करता हूं कि पीएम अपॉन आरटी फॉर ए गिवन गैस डिवाइडेड बाय पीएम अपॉन आरटी फॉर हाइड्रोजन गैस, ऐसा लिख सकते हैं। बट हमने क्या बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर तो सिमिलर है, ठीक है ना,
तो जब सिमिलर है तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो सिमिलर नहीं होता ना, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सिमिलर थोड़ी ना होगा। तो मैं ऐसा लिखू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, टू। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है वन, तो एच टू दो एटम है तो वन इंटू टू टू हो गया। यहां से देखो आप क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। प्रेशर और टेम्परेचर आपस में कैसे कैंसिल करेंगे बेटा, महक, प्रेशर की यूनिट अलग होती है और टेम्परेचर की यूनिट अलग होती है, तो कैसे कैंसिल कर देंगे, प्रेशर और टेम्परेचर की यूनिट अलग होती है। जैसे मैं कह दूं कि मैं रुपीज को मास से कैंसिल कर दूं, मैंने आपको 100 रुपए दिए और आप, मैं कहता हूं भैया मुझे 100 केजी, हाँ बेटा अभी बताते हैं, 100 केजी मुझे गेहूं दे दो, तो 100 रुपए में 100 केजी गेहूं तो कोई नहीं देगा, नहीं देगा ना, 1 रुपए केजी गेहूं थोड़ी ना हमारे पास, ठीक है ना। यूनिट आप बताओ, मीटर को मीटर से हटा सकते हो, है ना। वेपर डेंसिटी, वीडी का मतलब है वेपर डेंसिटी, यहां लिखा हुआ है, इसी का दूसरा मतलब है रिलेटिव डेंसिटी। सुन लीजिए एक बार वापस, देखो रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी, जैसे ही रिलेटिव वर्ड आ जाए इसका मतलब रेशियो लेना है। जैसे मैं बोलूं रिलेटिव स्पीड, है ना, मान लीजिए दो बच्चे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो हमें दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करनी है। तो दो बच्चे मान लो ए और बी है, तो अपन ऐसा बोले स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, पता लग जाएगा हमें, है ना। जैसे सपोज ऐसा बोले कि देखो ए और बी, ए चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, बी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो हमें अगर इनकी वेलोसिटी का रेशियो लेना है तो 40 डिवाइड बाई 20 ऐसा करें, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 डिवाइड बाई 1। यानी अपन कह सकते हैं ए जो है ना वो बी का जस्ट डबल स्पीड से चल रहा है, चल रहा है ना, चेक कर लो, ए की कितनी है 40, बी की कितनी है 20, तो बेटा 40-20 से क्या होता है, डबल ही होता है। तो जब भी टर्म रिलेटिव आ जाए, ठीक है, आपको हमेशा रेशियो लेना है, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड तो रेशियो लेना है स्पीड का, रिलेटिव मार्क्स तो रेशियो लेना है मार्क्स का, ठीक है, रिलेटिव मास तो आपको रेशियो लेना है रिलेटिव मास का, समझ में आ रही बात। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसी का दूसरा नाम होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है बेटा। तो रिलेटिव जब भी लेंगे, आर तो कांस्टेंट है ना, ये तो बताया था मैंने, आर कांस्टेंट है, कल ही बताया था, अभी वैल्यू लिखी थी ना मैंने 0.12, आर कांस्टेंट है, यहां पे सबके लिए वही रहेगा, अब देखो सुनो। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब आपने किसी एक गैस की डेंसिटी ली डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब भी आप गैस को एक्सप्लेन करते हो कंडीशन सिमिलर लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। अब जैसे दो की स्पीड कंपेयर कर रहे हो, अब एक बंदा तो चल रहा है मान लो साइकिल पे और एक के पास ओडी है, तो बेटा सिंपल सी बात है कंपेरिजन का कोई मतलब ही नहीं है यार, फिर क्या मतलब है, साइकिल वाला तो पीछे रहना है ओडी से, तो ये तो समझ में आ गई बात। तो कंडीशन एक होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का एक लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन बनाई थी पीएम इक्वल्स टू डीआरटी, याद कीजिए ये बनाई थी पीएम इक्वल्स टू डीआरटी, कैसे आई थी मैंने एक्सप्लेन किया। एक बेटा आप टाइम से सारे ज्वाइन कर लिया करो, कई बच्चे बहुत लेट ज्वाइन करते हैं,
ये समझ भी नहीं आएगा आपको। यहां से देखो मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या आ जाएगा, पीएम अपॉन आरटी। ठीक है, आगे बात समझ में आएगी। अब यहां पे देखो क्या है, पी टी एंड आर, पी और टी तो दोनों के लिए क्या है, सिमिलर है, सिमिलर फॉर बोथ केसेस, और आर क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी वो भी क्या हो गया, सिमिलर ही हो गया। तो मुझे किसी गैस की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना, मुझे किसी गैस की डेंसिटी अगर निकालनी है तो इस फॉर्मूले को लिखूंगा पीएम इक्वल्स टू आरटी ऑफ गिवन गैस और पीएम अपॉन आरटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये बाहर लिख दिया मैंने। लेकिन अब आपको पता है कि जो प्रेशर इसका है वो इसका है। आप जैसे मान लीजिए 1 एटीएम प्रेशर है सपोज, तो यहां भी 1, 1 से 1 कैंसिल आउट। यहां मान लो टेम्परेचर 273 है, यहां भी 273, वो भी कैंसिल, आर कॉन्स्टेंट था वो भी कैंसिल। तो इधर इस गैस का मॉलिक्यूलर मास बचा और इधर इस हाइड्रोजन का बचा। मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं लेते, आगे करेंगे एक्सप्लेन। यार एक चीज समझाने दिया करो, आप बीच में घुस जाते हो। तो अब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो ये आ गया। डिग्री सेल्सियस में अपन इसलिए नहीं लेते क्योंकि डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट केल्विन है, तो हमें ऐसे यूनिट को यूज करना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये याद कर लें, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, लर्न कर लें इसको एकदम अच्छे से। इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा, ये सिमिलर है, देखो पी आर टी तो सिमिलर है, पी और आर टी ये तो कैंसिल हो जाएंगे। भी जैसे मान लीजिए दो बच्चों के केमिस्ट्री में 100-100 नंबर आए, दोनों की इक्वल नंबर आए, तो उससे तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना, तो जो चीज सिमिलर हो तो कैंसिल हो जाएगी, हटा दू। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, बताइए साहब, वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन क्या होगी, कौन बताएगा, बताओ भैया। वेरी गुड जग्गा साहब, बढ़िया। हाँ जी देखो सुनो, क्या किया हमने, हमने अभी देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मीथेन का कह रहा है, तो मीथेन होता है CH4, है ना, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 इंटू 1, तो ये हो गया 16, तो 16 बाय 2 यानी कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूलर मास है ना उसका हाफ कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना आपको, इज इट क्लियर। जैसे सपोज अगर आपसे कोई ये कही, बताइए वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 बताओ साहब, 32। हाँ जी ठीक है साहब, ठीक है ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखो बेटा सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 64, है ना, ये 64 आ गया। तो वेपर डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो 64 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना जाएगा, 32 आ जाएगा, आ जाएगा। ये समझ में आया सबको, बोलो साहब,
हाँ इसी था बेटा, सही है। चलिए अब एक बार बताओ मुझे, तो ये फॉर्मूला लर्न कर ले कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ, बेटा वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये दो डेंसिटी का रेशियो था, याद करो, ऊपर भी डेंसिटी था और नीचे भी डेंसिटी था, तो दोनों की यूनिट एक ही तो कैंसिल हो गई ना, दोनों की यूनिट एक है तो कैंसिल हो गए ना, दोनों की यूनिट एक है। आपने अभी फॉर्मूला क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, याद करो, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, दोनों एक ही तो है, रिलेटिव वैल्यू कोई भी आ जाए उसकी कोई यूनिट नहीं होती। आप ऐसे बता सकते हो कि आप अपने फ्रेंड से किस यूनिट से इंटेलिजेंट है या वीक है, यूनिट लगाते हो आप कभी? नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए एक चीज बताओ मुझे कि एक मिक्सचर है मेरे पास, उसके अंदर 2 मोल मिथेन है, ठीक है, 2 मोल अमोनिया है, ठीक है, एक मिक्सचर के अंदर 2 मोल मिथेन है और 2 मोल अमोनिया है, तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ये आपको बताना है साहब, तो एवरेज निकालना था, आपने सीखा बेटा, ठीक है ना, तो बता दीजिए एवरेज, बताइए एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा सुनो, एवरेज आपने पढ़ा है 9-10th पे, पढ़ा है ना बेटा, तो सुनिए पहले बताओ टोटल मास ऑफ मिक्सचर, देखो 2 मोल मिथेन है तो 2 × 1 मोल मिथेन का होता है 16, प्लस 2 मोल अमोनिया है 2 × 17, तो ये तो हो गया 32 और ये हो गया 34, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया साहब 32 34, तो देखो कितना आ गया, 4 और 2 6, 3 और 3 6, आ गया 66, ये टोटल मास आ गया। अब हमें एवरेज मास निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल मास 66, टोटल मोल कितने हो गए, 2 इसके और 2 इसके, मोल हो गए 4, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे ना, 33 कैसा आएगा, मैंने अभी वेपर डेंसिटी थोड़ी नहीं पूछी है, क्या पूछा है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, लक्ष्य बिश्नोई, वेपर डेंसिटी नहीं पूछी, अरे एवरेज तो पढ़ा होगा ना 9-10th में बच्चों, हाँ तो सोल्व कर लो भी, जैसे आपको ऐसा बोला जाए, देखो कि बेटा आपके पास टोटल 10 एप्पल है, उसमें बोले कि 5 एप्पल ऐसी थी जिसमें हर एप्पल का मास 50 ग्राम था, 3 एप्पल ऐसी थी जिसका मास 60 ग्राम था, और 2 एप्पल ऐसी थी जिसका मास 80 ग्राम था, तो आपको कहे कि बताओ एवरेज मास बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो आपने किया है बेटा, है ना, एवरेज मास बताओ, तो क्या करोगे, 5 × 50, 3 × 60, प्लस 18 × 2 डिवाइडेड बाई 10, सोल्व करेंगे ना, एवरेज तो सीखा मैथ्स में, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, इसका एवरेज मास आपने निकाल लिया, तो एवरेज मास आ गया कितना आया था, 16.5। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एवरेज वेपर डेंसिटी ऑफ गिवन मिक्सचर, अब बताओ
अरे 33 क्यों कर रही है सिद्धि? फॉर्मूला याद कर बेटा। देखो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास लिखने नाम है ना, ऊपर लिखा हुआ है। वेप मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 × वेपर डेंसिटी। ये 2 इस तरफ है तो वेपर डेंसिटी निकालना है, तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आया था? 16.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 8.25 आएगा। यार ऐसा मत करो, फॉर्मूले में 2 इस तरफ है, चेक करो। सिंपल सा फॉर्मूला मत भूलो यार। हाँ निहल यादव ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? बोलो साहब। चलिए एक फिर क्वेश्चन बताइए मुझे। मतलब बेटा ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको FeCO5, ठीक है? तो यहाँ Fe का मास है 56, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का है 16। इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी बताओ, वेपर डेंसिटी ऑफ FeCO5 बताइए। देखो बेटा सुनो, मास कैसे निकलेगा? पहले कार्बन मोनोक्साइड का निकाल लो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया आपका? ये कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है ना, तो ये आ गया 28। तो एक कार्बन मोनोक्साइड का 28 है, तो × 5 कर दो, ये हो गया 140। ठीक है, फिर ये तो हो गया सीओ का, एफई का निकाल लो, एफई का एक है 156, तो टोटल आ गया देखो आपका ये 196। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी निकालना है, तो 196 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। आपको कहता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर वो है 16, देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ मिक्सचर इफ टोटल मास ऑफ मिक्सचर इज 320 ग्राम। बताओ, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रिस बढ़िया बेटा। हाँ जी देखो, सबसे पहले आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, तो आपको पहले
मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है, कैसे निकालोगे? 2 × 16 कितना हो गया? 32। जब भी मोल निकालने हैं क्या करना होता है? गिवन मास को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से। ये आ गया मेरे पास, आ गया कि नहीं आ गया? सोल्व करने पे 10 आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी, चलिए एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आपसे होता है क्या। देखिए 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 हैज वेपर डेंसिटी 40, देन कैलकुलेट मास ऑफ NO2 एंड N2O4 इन गिवन मिक्सचर। हंड्रेड ग्राम मिक्सचर का टोटल मास है, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला, लिखा हुआ ना 100 ग्राम मिक्सचर। कीजिए आराम से कीजिए इसको, देखो आपसे होता है क्या। बेटा अलग अलग फाइंड आउट करना है, NO2 का N2O4 का। 100 भी होगा ना, आप तो 310 पे चले गए, मतलब दोनों का मास का सम कितना आएगा? 100 आएगा। चलो समझते हैं। अरे दोनों का अलग अलग मास बताना है, कितना NO2 है कितना N2O4 है इस 100 ग्राम में। नेहा दादीच का आंसर है 55.2 ग्राम NO2, प्रज्ञा फलोदिया 42.5। चलिए चेक करते हैं, एक काम करते हैं, देखो हमारे पास, देखो टोटल मास ऑफ मिक्सचर आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ NO2 एक्स मान लो, ठीक है, मास ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, बाकी जो बच गया वो इसका होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, NO2 का हो गया एक्स। जैसे मैं कहता हूं कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से मान लीजिए मैं कहता हूं कि 30 गर्ल्स हैं, तो 100 माइनस 30 70 बॉयज हो गए अपने आप ही, वही मैंने माइनस कर लिया, है ना। अब देखो सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4 दोनों को जब जोड़ दोगे तो किसके मोल आ जाएंगे? मोल्स ऑफ मिक्सचर आ जाएंगे। क्या दोनों को जोड़ दोगे तो मिक्सचर के मोल हो गए एक तरह से दोनों का सम? ये लाइन समझ में आई क्या? क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं तो बॉयज और गर्ल्स के नंबर जोड़ दो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आ गए ना, ये समझ में आई क्या? बोलो
ठीक है। अब देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, जो मास गिवन है उसको डिवाइड करते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो बेटा NO2 जो है इसका देखो नाइट्रोजन का 14, दो ऑक्सीजन है 2 × 16, सोल्व करोगे आएगा 42, N2O4 2 × 14 16 × 4 ये आ गया, एक मिनट बेटा ये 42 नहीं 46, ये 92 आ गया, आ गया। तो हम दोनों के मॉलिक्यूलर मास हम जान रहे, तो x अपॉन 46, 100 माइनस x अपॉन 92। अब बताओ मिक्सर के मोल्स फाइंड आउट करने, तो मिक्सर का मास कितना है 100 ग्राम है, है? अब हमें मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है 40, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर कितनी है 40, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सर कितना हो जाएगा 80, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 80 कर दिया मैंने, कर दिया। अब भैया इसमें एक अननोन है, तो इस एक अननोन को आप सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सोल्व कर लेंगे क्या, हाँ योगी साहब सर एक बार फिर से बता दो सर, थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ अरे मैं एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ मत। बेटा सुनो एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप, कि NO2 और N2O4 दोनों मिला के 100 ग्राम गिवन है, चेक करो, देखो दिया मैं, तो उस 100 में से मैंने NO2 का एक बार मान लिया x ग्राम, ठीक है, तो N2O4 का कितना होगा, जितना मास इसका है उसको टोटल में से माइनस कर दो, तो टोटल कितना दिया था 100। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 ग्राम मास है ना, उसके अंदर मैं ऐसा बोलता हूं कि मिथेन और आपकी अमोनिया है, तो मैं कह देता हूं कि उसके अंदर 20 ग्राम अमोनिया है, तो बाकी मिथेन कितनी हुई 100 में से 20 माइनस कर दो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो मैंने एक का एक्स मान लिया तो दूसरे का 100 माइनस एक्स मान लिया, हो जाएगा ना भाई, एक्स को माइनस करेंगे। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस मिक्सर के जो टोटल मोल्स हैं वो NO2 के मोल्स और N2O4 के मोल्स का सम होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी आप ये ऐसे लिख लो, अगर मोल्स ऑफ मिक्सर के बजाय आप टोटल मोल्स लिख सकते हो, वही मिक्सर के मोल हो गए, यानी इसको क्या बोल सकते हो आप टोटल मोल्स, या इसको बोल सकते हो मोल्स ऑफ मिक्सर, एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है ये, ठीक। NO2 का कितना लिया हमने x, ये लिखा, इसका कितना लिया 100 माइनस x, मोल निकालने के लिए क्या करते हैं गिवन मास को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 46 पड़ा। अच्छा N2O4 का मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाल लिया 92, ये कर लिया, और मुझे मिक्सर का मास गिवन है 100 है, इसकी वेपर डेंसिटी गिवन है, तो बेटा वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, तो 40 का डबल हो गया 80, बस इसको सोल्व करके एक्स निकालना, ठीक है। तो बेटा अब सुनो, कल वो बच्चे क्लास अटेंड करेंगे जिनको, या तो जो नए, या जिनको मोल कैलकुलेशन में दिक्कत है, या कोई रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपका कोई फ्रेंड अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो उसको बोले जल्दी ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, फिर बार बार करवाना पड़ता है। तो कल की क्लास का टाइमिंग अपन रख लेते हैं 4:30 से 6 बजे तक, 4:30 to 6, इस टाइम में किसी की कोई क्लास तो नहीं है, बोलिए 4:30 से 6 इवनिंग में,
किसी की कोई क्लास है क्या? बायो क्लास कितने बजे अरुणा? अरुणा बायो की क्लास कितने बजे है बताएं? फोर टू फाइव है क्या? चलिए हाँ, भाभी का सचदेव वहां से निकालने में लगेगा। पांच बजे से है या पांच बजे तक है? अच्छा, तो कल दिन में एक से रख रहे क्या? एक से तीन तक, एक से तीन के टाइम में, एक से तीन के टाइम में किसी को दिक्कत है क्या? हाँ अरुणा, इसमें भी दिक्कत है तेरे को? ठीक है बेटा, कल क्लास जो है वो अपन रखते हैं एक से तीन के बीच में। तो एक बजे अपन स्टार्ट करेंगे क्लास और देख लेंगे आप कितनी देर ले पाते हो, मतलब कम से कम डेढ़ घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना? एक से ढाई तो कंफर्म है, 250 तक, ठीक है ना, 230 तक। कल जो बच्चा नया है या आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता हो तो कल की क्लास ना छोड़ें, मोल की कैलकुलेशन, ताकि ये जो चीजें अभी चल रही है ना वो आपको बेटर समझ में आने लग जाए। अच्छा, जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं तो मैंने आपको एक 145 क्वेश्चन की एक दे रखी है क्वेश्चन सीट, उसको सोल्व करें आप, ठीक है? अच्छा देखो, रेफरेंस बुक की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं आप उसको ढंग से समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया का कोई से भी एग्जाम देके देख लेना, केमिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लगता कि नहीं मुझे चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूंगा बुक। बाकी आप नोट्स को फोकस करो ढंग से, ठीक है ना, वो नोट्स काम के आपके। तो जिनके पास 145 क्वेश्चन की बुकलेट नहीं है वो बता दे, मैं उसको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा। यूएसएस कैसी है? ठीक है, चला सकते हो काम, जरूरत नहीं, आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी इतना उसमें मिलता है क्या आपको किसी बुक में। हाँ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं वो उस क्वेश्चन बुकलेट को सोल्व करें, जितना होता है ठीक है, नहीं हो रहा वो आप लगा के छोड़ दें। हाँ प्रदीप ले सकते हो बेटा, ठीक है प्रदीप, अच्छी बुक है, बट प्रदीप जो बुक है ना वो बहुत मोटी बुक है ना, इतनी मोटी बुक है कि मैं तो डरता हूं। देखो ये इतनी मोटी बुक है, सोचिए आप, तो है ना। एमएस चौहान बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है। चलो मैं आपको बुक फिर नहीं तो मैं बताता हूं, आप ले सकते हैं। देखो अगर आपके पास कोई पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको एक बताता हूं बुक, मुझे दो तीन दिन का टाइम दो, मंडे को मैं बता देता हूं, क्योंकि बेटा इतनी बालाजी वाली ले सकते हैं आप। अगर देखो अगर आपके पास कोई पड़ी है ना तो पैसे खर्च मत करना, आपको मैं सही बात बताऊं, अभी आप में जोश है तो आप पढ़ोगे, जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा ना ये बुक ऐसी पड़ी रहनी है बेटा, ठीक है ना? तो मैं बताता हूँ आपको, अभी इतनी मोटी बुक है बेटा, इसमें पेजेस ही पता नहीं कितने हैं, मैं तो खुद ही डर जाता हूँ इसको देख देख के, ठीक है ना? बट आप अगर खरीदते हो तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? लेकिन खरीदना तब जब पढ़ो, ठीक है ना? मैं एक दो दिन मुझे दो, मैं आपको एक ऐसी बुक बताता हूँ, कॉम्पैक्ट सी बुक, तो ज्यादा मोटी भी नहीं हो। आप में से कई हो के तो बाहर से ज्यादा ये हो गया है ना, इतनी भारी बुक है ये, ठीक है? तो बेटा कल जो बच्चे नए हैं वो अटेंड करें, और जो पुराने हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो क्वेश्चन करें, जितने होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं वो आप मार्क्स लगा के छोड़ दें। लास्ट में फिर मैं क्लास में ना डिस्कस करूंगा, जो आपके डाउट है वो मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? और जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फीस अब डिपॉजिट करवा दें फटाफट, ताकि अपना सिस्टम अब स्मूथली चलने लग जाए, ठीक है? ओके बच्चों, गुड नाइट। कल का टाइमिंग है एक से तीन, जिनको भी ज्वाइन करनी है टाइम याद रखें,
पासवर्ड और मीटिंग आईडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है।